अब जो रिमेनिंग टास्क है वो ये है कि आप जो है कोशिश करें कि एटलीस्ट जितना भी, जी, ऑनलाइन ही ले लेंगे भाई, वाह, कोई मसला नहीं है। जितना भी हो सके ना, अब आप ये कोशिश कर लें कि इसको मैक्सिमाइज करें, अपने जितने भी मेन्यूज डिज़ाइन कर सकते हैं ना, परसेंटेज के हवाले से कर लें कि नेक्स्ट टाइम आपने ये बताना है कि, क्योंकि आप मेन्यू का अगर दो ऑप्शन कर लेते हैं या तीन ऑप्शन कर लेते हैं तो वो भी मैं अपडेट लूंगा, और इसी तरीके से लूंगा जैसे मैं स्क्रीनशॉट अभी इसके जो है वो ग्रुप पर डलवा रहा हूँ, तो उस वक्त मैं स्क्रीनशॉट डलवाऊंगा, तो जितने भी मैक्सिमम कंप्लीट होता जाएगा आपके पास, सही है। नेक्स्ट, आई थिंक नेक्स्ट वीक जरा कैलेंडर देखें साथ अपने पास, और कैलेंडर देख के बताएं कि हमारा कौन सा ये वाला वीक चल रहा है। आई थिंक सर 12 वीक, तो 11th वीक है ये, तो इसको जरा मुझे कंफर्म करें और फिर लिखिए, या आप में से कोई भी कंफर्म कर ले कि हमारा कौन सा जो वीक चल रहा है, ठीक है। क्योंकि हमारे जब मिड टर्म हुआ था तो वो एक्चुअली 8 वीक के बाद, यानी वो 9 वीक था, लेकिन हमारे 10 वीक के अंदर जब वो क्लास हुई थी, तो शुरू से जो वीक वाइज चेक कर लें, वैसे अगर किसी ने चेक करना है तो यहाँ से भी जो है वो यहाँ से भी हो सकता है, ठीक है। ये जो वीक्स हैं यहाँ से भी देख लें आप कौन सा वीक चल रहा है, ठीक है। इसका मैंने अभी अपडेट अपडेट नहीं किया है, लास्ट क्लास यानी 10 वीक तो वो हो गया, ये 11th वीक है ना, 11, और अगर मिड टर्म को आप लगाएं, हाँ 11th वीक ही लगाएं, क्योंकि मिड टर्म को अगर काउंट करें तो फिर वो 16th वीक में चली जाती है बात, सही है। तो ये, हाँ ये देखें हमारे पास जो था वो ये 9 वीक जिसमें कुछ था ना, उसके बाद 10 वीक की अभी मैंने वीडियो शेयर नहीं किया है, शेयर कर दूंगा मैं, तो ये हमारे पास 10 वीक हो गया। तो ये जो अभी हो रहा है आज, ये 11th वीक है ये वाला, कोशिश करें 12 वीक तक जितना मैक्सिमम कर सकें, क्योंकि फिर मैं 13 वीक में तो हाई भाएगा ना आपका, तो इसको डिले ना करें। जैसे आपने होम पेज बनाया ऐसे पेज जो है वो बनते चले जाएंगे, एक एक पेज के ऊपर काम करें, एक पेज पहले कंप्लीट करें, फिर दूसरा करें, फिर तीसरा करें, और उसको मेन से लिंक करते जाएं, तो वो जो हो जाएगा। अच्छा, अब जो है वो जिसको मेरी बात समझ में आ गई वो 3 लिख के बता दे, सुन तो सब रहे लेकिन अब अमल करने का भी मसला होता है ना, ठीक है। अच्छा, अब जो है वो ये कि ये हम लोग देख रहे थे, तो ये डिफरेंट आपके पास जो है ना कम्युनिकेशन मॉडल्स होते हैं और कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क की तो हमने काफ़ी हद तक बात कर ली। अगर आप ये देखें कम्युनिकेशन मॉडल, तो ये ज़रा सुने देखें, ये जो सोर्स है ना, ये आपका कंप्यूटर है, ये रखा हुआ भी है आपका कंप्यूटर, ठीक है। अच्छा, ये मॉडेम है इसके में, लेकिन अब आप इसको NIC समझ सकते हैं, यानी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ये इसके थ्रू जा रहा है, या आप से जहाँ नेट लेते हैं वहाँ पे जा रहा है, फिर वहाँ से ये पब्लिक नेटवर्क पे चले जाता है। पब्लिक नेटवर्क का क्या मतलब है, केबल टू केबल, केबल टू केबल, तो ये चले जाता है, या फिर ये फाइबर ऑप्टिक पे चले जाता है, यानी अंडर वाटर भी जा सकता है, और बीच में वायरलेस भी इसको कोई नेटवर्क मिल सकता है। ये एक्चुअली जब शुरू में कम्युनिकेशन मॉडल बना था तो ये उस वक्त की बात है जब इतना वायरलेस यूज नहीं होता था, लेकिन लॉजिक उन्होंने क्या यूज करी अब देखेंगे, इसको कहते हैं इंटेलिजेंस। के बात ये थी, ये भी डिजिटल था और कम्युनिकेशन दूसरे कंप्यूटर के ऊपर भी करके डायरेक्ट केबल से देख ली गई थी, ये भी यानी कि आपस में कम्युनिकेशन पॉसिबल हो गई थी। अब मसला ये था कि ना, जो आपके पास पहले से जो बिल्डिंग था वो टेलीफोन नेटवर्क था, टेलीफोन नेटवर्क का मतलब है वो पोल्स के थ्रू जाता था, आपको पता है PTCL बहुत पुराना है, सही है, इंटरनेट से बहुत ज्यादा पहले का, तो टेलीफोन जो वर्ल्ड के अंदर बहुत ज़्यादा पहले से यूज़ हो रहा था। तो उन्होंने ये सोचा कि भाई अगर हम इंटरनेट की नए सिरे से जो केबल्स बनाते हैंगे और इस तरीके से करते हैंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा, जब ये कम्युनिकेशन मॉडल बना था तो कम्युनिकेशन मॉडल जो है वो इस हवाले से बनाया गया था कि ये पहले से आपके पास ना टेलीफोन नेटवर्क्स थे बने हुए, अब ये था कि इन्होंने बोला कि नए नए सिरे मतलब नए तरीके से बनाया जाए टेलीफोन नेटवर्क वगैरह, या इसके लिए इंटरनेट के लिए केबलिंग की जाए, तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि ये जो बहुत अरसे से बने हुएंगे और बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं टेलीफोन नेटवर्क, तो ये जो है ना इनको यूटिलाइज कर लिया जाए। लेकिन इसमें एक मसला था, और मसला जो था वो ये था कि आपके पास जो है वो
मसला ये था कि इसके ऊपर ना एनालॉग आता था, एनालॉग सिग्नल आते थे, आपके पास जो था डिजिटल था, सही है ना? तो देयर वॉज डिफरेंस बिटवीन एनालॉग एंड डिजिटल, ठीक है? तो इसकी वजह से जब आपके पास जो ये डिफरेंस था एनालॉग और डिजिटल की, एनालॉग और डिजिटल की वजह से, तो फिर ऐसे डिवाइस बनाई गई जो क्या करे कि डिजिटल जो सिग्नल है कंप्यूटर के वो एनालॉग में कन्वर्ट कर दे। इधर ये जो है वो चल नहीं रहा हमारे पास, लेकिन फिर मैं उधर ट्राई कर लेता हूँ ये जो है वो चल जाए इस मॉडल को समझाने के लिए ना। है देखिए ये कंप्यूटर है, ये वो डिवाइस है, इसको एनआईसी कह लें कुछ भी कह लें। अच्छा ये जो ये बिल्डिंग पहले से जो नेटवर्क जो है वो बने हुए, वो बने हुए यानी ये पोल्स हैं। ये किसके पोल्स हैं? टेलीफोन के पोल्स जा रहे हैं। तो ये पोल्स के ऊपर जो है वो ऑलरेडी टेली कम्युनिकेशन की लाइन या पीटीसीएल वगैरह ये चलते थे ना। अब जो है वो आपने रिसीविंग एंड पे एक डिवाइस बना दी और एक जो है कंप्यूटर बना लिया। अब प्रॉब्लम पता है क्या था? प्रॉब्लम ये था आपके पास कि इसके ऊपर जो था ना एनालॉग सिग्नल जाता था, एनालॉग सिग्नल जो है वो ऐसे करता है जो बिल्कुल डिफरेंट सिग्नल होता है। अच्छा आपके पास क्या था? आपके पास जो था वो डिजिटल था। डिजिटल का मतलब है ये ऐसे था, ठीक है? फिर जो इसको ऐसे डिफाइन कर दें, फिर ऐसे, सही है? फिर इसको जो है वो ऐसे डिफाइन कर दें, फिर इसको ऐसे डिफाइन कर दें। तो जो भी आपके पास जो जैसे बना दें डिजिटल सिग्नल, तो इस तरीके से था। तो ये जो डिवाइस थी ये क्या कन्वर्ट करती थी? ये डिजिटल टू एनालॉग कर देती थी। तो अब आपका जो ये नेटवर्क था जो जो कि अगर आप खुद बनाने के लिए जाते तो आपके पास आपको अंदाजा नहीं, पता नहीं कितना एक्सपेंस आता, सही? ये आपको जो है क्या हुआ, ये बिल्डिंग मिल गया। ठीक है, तो ये जो है आपके पास सिग्नल्स है डिजिटल के और ये एनालॉग। तो ये जो है इस जब आपके पास जो है चेंजिंग आ गई, तो उसके बाद जो है वो अभी जब यहाँ पे सिग्नल पहुँचा, लेट सपोज कि यहाँ पे आपके पास जो है वो सिग्नल पहुँचाएगा, तो फिर उसके बाद जो है वो ये दोबारा क्या हुआ, डिजिटल के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो गया, ठीक है? डिजिटल के अंदर जब आपके पास ये कन्वर्ट हो गया तो आपको यहाँ पे इस पे सिग्नल डिजिटल ही मिल गया। ये किसने करा? ये जो है ये इस डिवाइस की वजह से हुआ, ये इस डिवाइस की वजह से। यहाँ पे किसने कन्वर्ट किया था इस डिवाइस? तो नॉर्मली इसको जो मॉडम मॉडेम कहते थे, लेकिन ये जो था अब इतना ज़्यादा यूटिलाइज नहीं है आपका नेटवर्क कार्ड और बीच में जो है वो ये। अच्छा ये भी तकरीबन ख़त्म हो गया, फाइबर ऑप्टिक जो है वो आपके पास, यानी लाइट लाइट की स्पीड से जो ट्रैवलिंग करता है डेटा, इसी वजह से जो है वो इतना फास्ट हो गया नेटवर्क। और जो आपके पास 4G टेक्नोलॉजी वगैरह इम्प्लीमेंट है वो इसी तरीके से इम्प्लीमेंट है कि ये जो है आपके पास फाइबर ऑप्टिक्स जो है वो भी अंडर वाटर वो वर्किंग कर रहे हैं। तो ये देखें ये जो है ना अब इस तरीके से है, जो इस वक्त जो है आपके पास ये तो आपके पास फाइबर ऑप्टिक एक डिवाइस उन्होंने डिवाइस के तौर पे दी हुई है, लेकिन अगर ये हो ना ये जो इस तरीके से कनेक्टिविटी है, तो ये अंडरग्राउंड जो है अब वो इस तरीके से कनेक्टेड है, ये अंडर सी केबल लिखा हुआ भी है, लेकिन पूरी वर्ल्ड के अंदर इस तरीके से जो है वो कनेक्टेड है, मतलब अंडरग्राउंड। आपने सुना भी होगा कि अब ऐसा होता है सही है, ये इस तरीके से जो है वो ट्रैवल करता है। जी, ब्राइट वगैरह फिश वगैरह भी कर लेती है और
उसके अलावा आपको पता है कि बहुत सारी इस किस्म की जो प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं जिसकी बेसिस के ऊपर जो है ये मीन्स ये तमाम चीज़ें जो है वो हो रही होती है, यानी इंटरनेट के ऊपर जो है ये। लेकिन अब ये है कि ये शुरू में तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, शुरू के अंदर जो प्रॉब्लम था तो वो फिर ऐसे ही जो है वो सॉल्व किए गए, सही है। शुरू के जो प्रॉब्लम थे वो ऐसे सॉल्व किए गए थे कि आपके पास जो है टेलीफोन की लाइनें जो है वो यूज़ कर ली गई थी, लेकिन अब जो है वो फाइबर ऑप्टिक हर ये फाइबर ऑप्टिक जो है वो हर जगह यूज़ हो रहे हैं, तो इसकी वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा आसानी हो गई है, और अब जो है वो आसानी के साथ जो है वो वर्किंग होती है इसकी ना। अच्छा, इसके अंदर जो है वो हम मजीद ये भी देख सकते हैं कि अभी आप क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, अगर ये पिक्चर आ गई तो फिर इसके अंदर जो है वो मैं आपको, हाँ ये आ गई ना, इसमें भी थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि एक्चुअली जो है वो किस तरीके से जो है वो वर्किंग हो रही होती है। स्टूडेंट को कहाँ साइन करूँ, कोई होगा तो इन करूँगा ना, सबको इन सभी नहीं है, क्योंकि ये हर फिगर जो है वो आपको ये बताएगी। देखें इसमें ये होता है कि आपके पास ये तो खैर केबल्स के अंदर की बात है, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बेसिस के ऊपर वर्क करती है। लाइट को ये कहा जाता है कि लाइट जो है वो किसी भी एंगल के ऊपर जो ट्रांसफर कर रही होगी ना, तो वो डिफरेंट एंगल्स के वेज में ना वर्क करती है। लेट सपोज कि अगर हम जो ये करें कि जी लाइट आ रही है और ये पानी है, और इसमें इस तरीके से बात करें कि ये जो इस तरीके से रिफ्लेक्ट करेगी, तो इसका जो डायरेक्शन है ना थोड़ा सा जो है वो वेरी करता है, सही। तो ये जो ये साइंटिस्ट जो है ना ये बहुत अच्छे के ऊपर वर्क कर रहे थे, तो इसके बाद उन्होंने जो है पहले जब एक्सपेरिमेंट करा तो उसके अंदर उन्होंने ये करा कि ये कहा कि जी अगर हम इसको इस एंगल से लाइट को लेके आए कि ये अगर इस तरीके से आए और वापस जो है वो ऐसे चली जाए, सही है। तो ये कहलाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये फिजिक्स का टॉपिक है वैसे, लेकिन इस बेस के ऊपर ही फाइबर ऑप्टिक बना है। तो उन्होंने बोला अगर हम यहाँ पे भी ऐसे ही एक मतलब मटेरियल यूज कर लें तो उससे क्या होगा कि इसी एंगल से लाइट जाएगी, तो फिर इसी एंगल से जो है वो क्या होगा दोबारा जो है वो इस डायरेक्शन के अंदर चली जाएगी, ठीक है। और अगर जो है वो इसको हमने कंटिन्यू करा कि ये ऐसे ही सिलसिला जारी रखा, तो ये आपके पास जो है ना ये पाइप, इसको पाइप को ज़रा बड़ा कर लेते हैं, यानी ये फर्स्ट तरह की ये पाइप है आपके पास, ये फाइबर ऑप्टिक केबल है, तो उसके अंदर जब ये इस तरीके से रिफ्लेक्ट करती रहेगी तो आपके पास डेस्टिनेशन कितना भी बड़ा होगा वो लाइट जो है वो डेस्टिनेशन तक जो है वो पहुँच जाएगी, वरना क्या होता है डाइट जो है डाइवर्ट कर जाती है। तो इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए जो है ना फाइबर ऑप्टिक केबल बनाया गया कि अगर हम इस तरीके से करते हैं। उन्होंने बोला आसानी क्या होगी, आसानी जो है वो ये होगी कि अगर यहाँ पे हम कोई ऐसे डिवाइस यूज कर रहे हैं जो कि यहाँ पे डिजिटल सिग्नल को जो है वो फाइबर यानी लाइट में कन्वर्ट कर दे, और वहाँ पे रिसीविंग एंड में जो वो रिसीव करके दोबारा डिजिटल के अंदर कन्वर्ट कर देना, तो अगर हमने ऐसी कोई डिवाइस बना ली तो फिर जो है हम बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो इस बेस के ऊपर जो है लाइट कभी भी जो है वो आपके पास मतलब कंट्रोल नहीं होती, मतलब आप उसकी डायरेक्शन कंट्रोल नहीं कर सकते जहाँ आप उसको भेजना चाह रहे होते हैं ना, क्योंकि वो डाइवर्ट हो जाती है। लेकिन जब ये लॉजिक यूज़ किया गया कि यहाँ से आपके पास यहाँ से सिग्नल आएगा, हम इसको एक डायरेक्शन के अंदर डेस्टिनेशन तक पहुँचा देंगे, सही है। ये कहलाता है फिजिक्स में ये कॉन्सेप्ट कहलाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के नाम से। तो जब ये कॉन्सेप्ट आपके पास हो गया तो उसके बाद ये हुआ कि ये जो सोर्स थी, सोर्स से यानी कि ये वही वाली बात कि ये आपके पास कंप्यूटर है, यहाँ पे अब जो है ना वो डिजिटल से एनालॉग में नहीं कन्वर्ट करेगी डिवाइस, ये कन्वर्ट करेगी डिजिटल से फाइबर, डिजिटल से लाइट में। तो ये एनालॉग पे नहीं जाएगी, अब ये लाइट पे जाएगी, और लाइट पे जाएगी तो आपको पता है लाइट की कितनी स्पीड होती है। अब ये डेस्टिनेशन कहीं पे भी हो, अमेरिका में हो, कहीं पे भी हो, तो क्या होगा ये वहाँ पे जो है उसको एक्सेस कर लेगी, और एक्सेस करेगी तो विद द स्पीड ऑफ लाइट करेगी। तो यही वजह है कि आपका डेटा जो है वो एमबीज के अंदर भी इतना फास्ट आ जाता है कि एमबीज आप कर रहे होते हैं और आपको पता नहीं चलता, तो उसकी यही वजह है कि लाइट की स्पीड आप लोगों ने हासिल कर ली है डेटा ट्रैवलिंग के लिए। और यही वजह है कि अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हालांकि अगर आप देखें हमारा जूम के सर्वर के ऊपर होता हुआ मेरी आवाज़ आप तक आ रही है, लेकिन फिर भी उसकी स्पीड आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि मतलब ये कि मेरी आवाज़ और आप तक पहुँचने के अंदर ज़्यादा जो है वो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मिली सेकेंड्स का डिफरेंस होगा, सही है। या अगर नेट में प्रॉब्लम आ जाती है तो सेकंड्स का डिफरेंस आ जाता है, जब स्लो स्लो आवाज़ आ रही होती है, रुक रुक के आ रही होती है, तो इसमें जो है वो ये है सिलसिला। तो ये फाइबर ऑप्टिक आपकी समझ में आ गया।
अब अगर आप जितनी भी फिगर्स देखें ना फाइबर ऑप्टिक्स की, तो उसके अंदर जो वो ये कॉन्सेप्ट डिस्कस किया गया है कि ये एक्सेप्ट कर रहा है, उसके बाद ये ग्लाइडिंग है, ग्लाइडिंग इस चीज को कहते हैं जो उसकी आपके पास जो है, जी, आपके डिजिटल सिग्नल को देखें, डेटा कभी कन्वर्ट नहीं होता, होते हैं सिग्नल है। अच्छा, अब मैं एक और चले आपको ये कॉन्सेप्ट कर लेता हूँ 1 मिनट की, ये सिग्नल के अंदर डेटा में फर्क क्या है। ये बहरहाल ये सारे फाइबर ऑप्टिक, ये इंटरनल जो रिफ्लेक्शन है, ये बिल्कुल ये इस डायरेक्शन में देखें, ये ऐसे जाएगी तो नहीं नहीं जा सकती सही, क्रिटिकल एंगल, ऐसे ऐसे भी नहीं जा सकती है, आगे नहीं बढ़ेगी, ये सिर्फ इस एंगल पे बढ़ती है, इस एंगल के ऊपर बढ़ती है, ये जो एंगल है बिल्कुल जो है वो एक्यूरेट एंगल होता है, इससे कितनी भी बड़ी आपके पास कितनी भी दूर डेस्टिनेशन हो वहां तक पहुंच जाती है, और ये इंटरनल उसका आर्किटेक्चर है, इससे लाइट जा रही होती है कोर से, उसके ऊपर देखें आप कितनी कोटिंग वगैरह की है, ये जो स्ट्रेंथ आपके पास है या मेम्ब्रान है ये इसमें रखे गएंगे, आपके पास ये और एक आउटर जैकेट है, ये इस वजह से है कि ये ऊपर से आपको कोई डिस्टर्बेंस ना हो, यानी लाइट ट्रेवल कर रही हो तो बीच में अगर कोई डेटा जो नॉइस वगैरह हो या कोई सिग्नल्स आ रहे हो तो उसकी वजह से डिस्टर्बेंस ना आए, ठीक है, ये भी वही कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। अच्छा हाँ, ये जरा सिग्नल्स का और उसका जरा सा डिफरेंस समझ लें, जो अभी आप कह रहे हैं क्वेश्चन भी कर रहे हैं तो ये अच्छा है, और आपका जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखें कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कॉन्सेप्ट ये कह रहा है ये वाला कि आपने कहा कि लाइट डेटा को लाइट में कन्वर्ट करते हैं, डेटा को नहीं करते हैं, सिग्नल को, मेरा ये जवाब था ना, आप जरा देखें कि होता क्या है, ठीक है। इसमें हम ये करते हैं कि ये पहले एक जो है ना डिवाइस बना ले रहे हैं, ठीक है। अब आपको पता है डिवाइस के अंदर क्या चल रहा है, डिवाइस के अंदर जो है वो ये आपके पास ये वाली चीज है ना, ये तो हम शुरू के अंदर भी डिस्कस कर चुके हैं, ये बाइनरी नंबर्स हैं, ठीक है, ये नंबर्स हैं। अभी ये बाहर आएंगे तो किस फॉर्मेट के अंदर आएंगे, ये देखें, तभी भी ये 1001 जो है ना लाइंस के ऊपर ट्रेवल नहीं करता, अगर ये कोई भी लाइंस है, चाहे अभी बीच में आप इसको जो कन्वर्ट कर लीजिएगा फाइबर में कन्वर्ट कर लीजिएगा या एनालॉग में कन्वर्ट कीजिएगा, लाइट में, जिसमें भी आप चाहो ना, अभी ये डेस्टिनेशन सही है, और डेस्टिनेशन, अच्छा डेस्टिनेशन के अंदर हमें क्या लेके जाना है, डेस्टिनेशन में डेटा जो है वो ये वाला पहुंचाना, यानी ये जो अभी हमने राइट किया 10 सही है, और 10, ठीक है, यही हमें जो है ना लेके जाना है। लेकिन आपको पता है कि जब हम जो है वो इसको पहुंचाएंगे तो आपके पास लेट सपोज 1 का ये है, ठीक है, 1 का ये सिग्नल है, ये किसका है, ये 0 का है, ठीक है, फिर ये 0 का ये आगे जाता है, फिर उसके बाद ये किसका हो जाता है, ये 1 का हो जाता है, ठीक है, फिर जो है ये अगेन जो है वो 1 का रहता है, फिर जो है वो 0 का रहता है। तो अगर मैं इसी चीज़ को जो है अभी आपको कन्वर्ट करूँ आपके डिजिट को, तो ये 1 आ गया, ये 0 आ गया, ठीक है, ये 1 आ गया, ठीक है, ये 0 आ गया, तो ये देखें ये क्या था, डेटा था आपका, बाहर क्या जाएगा, सिग्नल जाएगा, ये सिग्नल निकल जाएगा, सही है। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर जो है वो फॉर्म के अंदर भी निकल सकता है, ये डिजिटल सिग्नल निकलता है। अब ये डिपेंड करता है डिवाइस के ऊपर, ये डिवाइस क्या करेगी, ये भी सिग्नल ही के अंदर कन्वर्ट करेगी, लेकिन सिग्नल के अंदर कैसे कर देगी, देखें ये क्या था, 1 था ना, तो 1 को इस तरीके से, और ये जो 0 है तो 0 को ये ऐसे कर देगी, क्योंकि अभी जो हम एनालॉग कर रहे हैं, फिर ये 1 कर दिया, फिर 0 कर दिया, ये सिग्नल ट्रेवल करता रहा। अब जब ये इधर पहुंचा तो अगेन ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, इसी चीज के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, यानी इस जगह पे, और आपके कंप्यूटर को क्या मिल जाएगा, 1011। कंप्यूटर ये समझता है, कंप्यूटर ये सिग्नल्स नहीं समझता, इस सिग्नल की वजह से क्या होगा कि आपका जो एनआईसी है, जब वो ऑपरेटिंग सिस्टम को देगा तो वो उसको इस सिग्नल को, इसको 1 में करेगा, इसको 0 में करेगा, इसको 1 में, इसको 0 में, और आपको क्या मिल जाएगा, आपको ये मिल जाएगा। जिन लोगों की ये बात समझ में आ गई वो 3 लिख के बताएं, अब समझ में भी उस वक्त आएगी जब आप गौर से सुन रहे होंगे ना। तो अब ये बीच में जो आपके पास है चीज, ये मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो है ये अगर फाइबर ऑप्टिक है तो फाइबर ऑप्टिक के अंदर क्या होगा, फाइबर ऑप्टिक में यही सिग्नल जो है ना वो आपके पास इस फॉर्मेट के अंदर जो है वो ट्रेवलिंग करता हुआ जाएगा, सही है। और जब ये वाली डिवाइस क्या होगी, अब ये जो है डिवाइस ये कन्वर्ट किस में कर देगी, ये कन्वर्ट कर देगी इसको डिजिटल के, ये कन्वर्ट इस सिग्नल में कर देगी इलेक्ट्रिकल सिग्नल में या डिजिटल में, डिजिटल सिग्नल जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो किस में कर देगा, इसमें। और आपको स्क्रीन के ऊपर इसका जो भी होगा, यानी ये अगर ए था, बी था, सी था, वो आपको जो है ना स्क्रीन के ऊपर नजर आ जाएगा। जैसे हम व्हाट्सएप पे चैट कर रहे हैं और व्हाट्सएप पे किसी ने ए राइट किया है, तो
तो आपको जो है वो आप ए नजर आ जाएगा अगर हम फोन की बात करें। फिर एफबी पे भी बात करें तो एफबी के ऊपर भी आपको ए आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है वो ये पूरी चेन होती है, ये चलती है। अच्छा, हम लोग जो है वो उसकी तरफ चले गए, अपने जो है टॉपिक से थोड़ा सा डाइवर्ट हो गए, लेकिन चले। अच्छा, बस एक कॉन्सेप्ट। अच्छा, जो टेपोलॉजीज हैं वो हमारे पास ये हैं, ठीक है। एक स्टार है, स्टार में स्विच यूज होता है, सही है। स्विच का क्या मतलब है कि एक ऐसे डिवाइस जो कि सिग्नल को, जैसे ये इसको भेज रहा है, जो अभी मैंने एग्जांपल दी थी कि एड्रेस जो एस और ए का है, तो ये जो क्या करेगा इसकी तरफ ट्रांसफर कर देगा। यानी ये जो स्विच है ये देख लेता है कि ए कहाँ पे है, बी कहाँ पे, सी कहाँ पे, तो क्या करता है उसको जो है डाइवर्ट कर देगा। बस टेपोलॉजी के अंदर, यानी टेपोलॉजी कहते हैं कि फिजिकली हम कंप्यूटर को कैसे रखना चाहते हैं, तो बस टेपोलॉजी के अंदर जो है वो ये होता है कि आपके पास एक लाइन होती है, एक ही लाइन का मतलब एक ही आपके पास केबल है, उसी से डेटा आ रहा है और उसी से डेटा जा रहा है। इसमें ये नहीं, इसमें इससे डेटा आ रहेगा तो ये दूसरी इस डायरेक्शन में जा रहेगा, ये इससे कम्युनिकेट कर सकता है। यानी इसमें मल्टीपल केबल है, इसमें से एक ही केबल है बस। तो बस के अंदर जो है वो आपके पास प्रॉब्लम होता है, सही है ना। प्रॉब्लम जो है वो क्या होता है बस के अंदर, बस के अंदर ये प्रॉब्लम होता है आपका कि अगर ये केबल जो है यहाँ से ये बीच से कट हो जाए, सही है, तो क्या होगा, आपके पास करंट ही नहीं जाएगा, और करंट नहीं जाएगा तो डेटा ही ट्रेवल नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो है ब्रेक हो जाएगा पूरा नेटवर्क, सही है। और इसके अंदर क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल स्टार में ये एडवांटेज होते, जो आपके पास लैब में उसमें ये कट हो गया तो बाकी सिस्टम चलते रहते, सही है। अगर ये कट हो गया तो सिर्फ ये वाला कट होगा, क्योंकि स्विच क्या करेगा बाकी सिस्टम को चलाता रहेगा। और रिंग के अंदर क्या है, रिंग के अंदर जो फॉर्मेट होता है वो यही वाला होता है। रिंग के अंदर जो अगर आपके पास फॉर्म है तो वो जो है वो ऐसे इस तरीके से ट्रैवल करता है एक ही डायरेक्शन में, ये इसको सिग्नल दे रहा है, ये जो है इसको दे रहेगा, ये जो है ये इसको दे रहेगा, सिग्नल जो है वो इस तरीके से आगे बढ़ते रहते हैं, ठीक है। तो रिंग जो है टेपोलॉजी, ये भी एक टेपोलॉजी, ये कौन करता है, ये आईबीएम ज्यादा यूज करते थे अपने सिस्टम में। बस जो थी एक जनरल थी, लेकिन अब जो है वो सब स्टार पे ज्यादातर शिफ्ट हो गए हैं, क्योंकि स्टार के अंदर जो है वो फास्ट भी होता है, और अगर एक एक सिस्टम अगर खराब हो जाए तो दूसरा सिस्टम जो है वो, हाँ ये आप सही कह रहे हैं, सीरीज सर्किट वाला, सीरीज में अगर एक इधर डिस्टरबेंस आ गया और पैरल। अच्छा, फिर आपके पास जो है मैश है, मैश का क्या मतलब, मैश का मतलब है कि सारे कंप्यूटर जो है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है, सही है। ये भी ओल्ड टेक्नोलॉजी है, ये भी अब इतना यूज नहीं होती है कि ये इतना यूज नहीं होती है कितना, बल्कि ये तीनों नहीं यूज होते अब ज्यादातर जो है। लेकिन इन बिटवीन ऐसा भी होता है कि आपके पास जो है, जब हमारे पास इंटरनेट के ऊपर डेटा जा रहा होता है ना, तो बीच में बहुत सारे नेटवर्क होते हैं, फर्स्ट नहीं हमारा नेटवर्क है, बीच में कोई बस बस वाला नेटवर्क पड़ा उससे होता हुआ, उसके बाद कोई रिंग वाला पड़ा उससे होता हुआ, तो इस तरीके से जो है वो ये ट्रेवल करता है। तो इन बिटवीन आपको कोई भी जो है वो मिल सकता है अगर नेटवर्क, यानी टोपोलॉजी जो डिफरेंट मिल सकती है। टोपोलॉजी का मतलब क्या है, टोपोलॉजी का मतलब है कि हमने कैसे उसको अरेंज किया है। टोपोलॉजी कहते हैं अरेंजमेंट को, ये लिख लें फिर आप, फिर प्रॉब्लम होगी। टोपोलॉजी का जो वर्ड है जरा मुश्किल है, लेकिन उसके मायने बड़े आसान है कि हम जो है वो कंप्यूटर को कैसे अरेंज करते हैं एक दूसरे के साथ। ये एक लाइन में किए हैं इसको बस कह रहे हैं, ये राउंड शेप में किए हैं इसको रिंग कह रहे हैं, और इसको जो है हम स्टार कह रहे हैं, क्योंकि ये जो है आपके पास एक स्टार की फॉर्मेट ही अप्लाई हो रही है। अच्छा, प्रोटोकॉल वाली जो बात है, प्रोटोकॉल वाली बात यह है कि जी आपके पास जो है वो रूल रूल होते हैं कि जी आप जो है वो मैसेज भेजेंगे तो किस फॉर्मेट में भेजेंगे। तो ये इसका ये वाला ही कॉन्सेप्ट है जो ये यहाँ पे अभी हमने डिस्कस किया था, देख लेते हैं कहाँ पर। हाँ, ये प्रोटोकॉल ऐसा होता है, ये प्रोटोकॉल है, मीन्स ये कि मैसेज जो है आपके पास मैसेज पैकेट में जाता है, तो जो पैकेट होता है डेटा का पैकेट होता है वो ऐसा बनता है, मीन्स ये कि आपने पहले से डिसाइड कर लिया या पहले से रूल बना लिया कि हम अगर भेजेंगे तो मैं, यानी बात करने का तरीका। अब देखें ये दुनिया जो है सिर्फ इसी वजह, जैसे हम लोग एक दूसरे की बात समझते हैं कि एक 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 चीज का मतलब हम लोग एक ही समझ रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे गिलास, पानी का जो गिलास होता है, पानी या उसका गिलास, अब ये जो मैंने कहा पानी का गिलास, ये आप भी समझ गए, मैं भी समझ गया, बल्कि जितने लोग हैं वो सब समझ गए, इसलिए कि हम सबने ये डिसाइड किया है कि उसको वाटर को पानी ही कहेंगे, और जिस बर्तन में उसको रखेंगे या पीते हैं उसको जो है हम गिलास कहते हैं। तो अगर ये वर्ड कहीं पे भी चेंज हो रहा हो, लेट्स सपोज लैंग्वेज चेंज है आपके पास कि आप तुर्की में कहीं और हैं
और वहां पे आप बोले पानी का गिलास, क्योंकि वो ना पानी का वर्ड जानते हैं ना वो गिलास का वर्ड जानते हैं, तो वो बात नहीं समझ पाते। तो इसलिए हम बात कर पा रहे हैं, इसलिए बात कर पा रहे हैं कि हमने जो है एक रूल बनाए हैं बात करने के, पानी को जो है पानी कहना है सही, गिलास को जो है वो गिलास कहना, और वो सब लोग समझते भी हैं, तो इसलिए जो है वो समीर ये ATT क्या है? अच्छा अटेंडेंस, सही है तुमने इस स्टाइल में लिखा क्या है? अच्छा ये जो है हमारे पास क्या है, ये है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल का मतलब क्या तरीकेकार होगा बात करने का। अब मसला ये है ना कि जैसे हम लेट सपोज हम बात वगैरह कर रहे होते हैं तो हिसाब से करते हैं, मिसाल के तौर पे घर में वाली साहब से बात कर रहे हैं तो हमें जो है वो तरीकेकार पहले से प्री डिफाइन है कि आप जनाब से बात करनी है, पेरेंट्स वगैरह से बात करनी है। लेकिन जब आप अपने दोस्तों से बात कर रहे होते हैं बिल्कुल मतलब ये क्लोज फ्रेंड होते हैं तो उसमें जो है तुम भी कह देते हैं, वर्ड कह लेते हैं, तो वो भी एक तरीके से ये कि पहले से यानी प्री डिसाइडेड होता है, सही है। तो इसलिए प्रोटोकॉल क्या है, आप डेफिनेशन पढ़ते हैं, स्टैंडर्ड सेट ऑफ रूल्स, सही है, पहले से असूल बनाए हुए हैं एंड प्रोसीजर और तरीके का फॉर द कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेशन इन द नेटवर्क, यानी बात करने का तरीकेकार वही हो गई ना कि जो अभी मैंने एग्जांपल दी कि पानी का गिलास, पानी का गिलास आप इसलिए समझ रहे हो कि आप ये वर्ड समझते हो, चाइना में जाके बोलोगे तो वो क्योंकि आपने उससे पहले से नहीं बताया हुआ कि पानी का गिलास जो है किस चीज को कहते हैं, तो वो जो है हो सकता है कि आपको जो है वो चाय ला के दे दे, सही है। तो इस वजह से जो प्रॉब्लम जो है वो ऑकर हो सकती है लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से, कम्युनिकेशन ना होने की वजह, तो इसलिए जो है वो रूल्स होते हैं कम्युनिकेशन के। अच्छा आपने जो वो उसके ऊपर नहीं जाना, रूल्स बात करने के रूल्स पे, आपने सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि जब भी प्रोटोकॉल आए आपने ये पैकेट बना लेना है कि ये सोर्स है, यानी ये एस जो ये ए वाला जो है ए कह रहा है कि मैं एस को भेजूँ। अच्छा इसका एक और रूल समझ लें आपके, ये जो नॉर्मली रूल होता है वो इस तरीके से होता है, अटेंडेंस इसके बाद वाली उसमें जो है ना कॉल कर लेंगे, सही है। अब जरा गौर से देखें, जब भी रूल होगा ना वो इस तरीके से फॉर्मेट करेगा कि ये जो है ना डेस्टिनेशन बता देगा कि ये मुझे इसके ऊपर भेजना है, ये मैंने डी लिखा था लेकिन चले अब ऊपर लिख देता हूँ, सही है। ये डेस्टिनेशन बताएगा कि डेस्टिनेशन किस पे भेजना है, सही है, कौन सा जो है वो डेटा भेजना है, यानी अगर डेटा भेजना है डेटा को हम इधर जो है वो डेटा की तरह राइट कर देते हैं ना कि डेटा जो है किस तरीके से राइट होता है, सही है। फॉर एग्जाम्पल ए है, सही है, और किस पे भेजना है, हमें भेजना जो है वो सोर्स पे भेजना है, सोर्स बल्कि ये सोर्स किस पे नहीं, ये हमारा एड्रेस है। अब देखो ये जो हमने लिखा था एस और ए, तो ये किसका था, डेस्टिनेशन का एड्रेस था, यहाँ पे एस आ गया, ये ए क्या था, ये सोर्स था, यहाँ पे क्या आ गया ए, और ये जो कोटेशन में ए है कि ये क्या है डेटा है, तो ये क्या कर रहा है जब ये भेज रहा है तो इसका मतलब है ये जो है ए, ये कह रहा है कि एस के पास जो वो कैपिटल ए लेके चले जाओ, तो ये इसको रिसीव हो जाएगा। अब ये जवाब में जो वो लेट सपोज बी भेजता है तो ये बी जो है वो हो जाएगा या बी जो है वो चला जाएगा, सही है। इसको जो है हम इस तरीके से देख सकते हैं कि पैकेट फॉर्मेट, सही है, पैकेट ठीक है, ये आपको बहुत सारे जो है अगेन ये मैं कोशिश करता हूँ इमेज से समझा दूँ तो ज़्यादा बेहतर है, उसमें जो बेहतर समझ में आ रहा होता है। ईथरनेट, ब्लूटूथ, ये देखें हर तरीके की जो प्रोटोकॉल है उसके आपके पास जो है वो पैकेट हैं, सही है। ये मशहूर हमारा जो आईपी जो हम कहते हैं ना, इसके अंदर आईपी आपके पास प्रोटोकॉल यूज हो रही होती है या आईपी एड्रेस जो वो यूज हो रहा होता है, तो उसमें इस तरीके से होता है, यानी कि ये तो खैर बहुत है कि सोर्स आईपी, देखें यहाँ पे यही लिखा हुआ है, मैंने आपको जो है वो इस तरीके से समझाया कि आपकी समझ में आ जाए कि उसका एड्रेस जो भेज रहा है वो क्या है और डेस्टिनेशन का एड्रेस क्या है, और यहाँ पे डेटा रखा होगा, बाकी चीज़ें अभी फिलहाल आप छोड़ दें। ये देखें कि सोर्स आईपी रखा हुआ होता है और डेस्टिनेशन आईपी रखा हुआ होता है, कि जिसने भेजा है उसका अपना एड्रेस और जिसको भेज रहा है वो उसका एड्रेस और डेटा रखा हुआ होता है,
तो इस एग्जाम्पल को अगर हम इस वाली से जो है वो मैच करें, सही है, तभी हम जो है वो एग्जाम्पल देख रहे थे उस वाली एग्जाम्पल से अगर हम मैच करें तो ये जो है ये देखेंगे वाली, ये क्या है, ये आपके पास जो है सोर्स पहले आ रहा है तो सोर्स आप पहले रख दें, डेस्टिनेशन वहाँ बाद में आ रहा है, जो आपका आईपी एड्रेस के थ्रू जो आप भेज रहे होते हैं ना, तो उसमें डेटा का ये सिलसिला होता है कि पहले जो है सोर्स यानी आप अपना लिखते हैं, फिर जिस पे भेजना होता है उसका आईपी आता है, फिर जो है वो डेटा आता है। तो इसके अंदर एक पैकेट जो है वो एक सिग्नल जा रहा होता है, सही है, ये कंप्यूटर के अंदर बन जाता है बिट्स के अंदर, फिर ये ट्रांसफर हो रहा होता है कहाँ पे, केबल के ऊपर, यानी सिग्नल के अंदर कन्वर्ट हो रहा होता है। तो ये तरीकेकार होते हैं ये अच्छा, इसको अगर आप इसको जो है ना ये वाली, और इसको जो है हम कोशिश करते हैं कि वहीं पे डायरेक्ट हमारा ओपन हो जाए, ये वाला ना यहाँ पे है, सही है, इसको इससे मैच करें, ये क्या है, ये सोर्स है, डेस्टिनेशन है और डेटा है, सही है, इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, सोर्स ये है, इधर इधर आप कर लेंगे, यहाँ सोर्स है, यहाँ पे डेस्टिनेशन है, यानी यहाँ पे पहले ए आ जाएगा यानी उसका अपना नाम, और फिर एस यानी जिसको भेज रहा है, और बीच में क्या आ रहा है, डेटा आ रहा है, तो ये आप इस पिक्चर से मैच कर रहे हैं। और ये कौन सी आईपी है, ये जो है एक्चुअली वही आईपी है जो इंटरनेशनली यूज होती है, क्योंकि नेट के ऊपर आईपी हेडर भी पड़ा है और पूरा उसके डिस्क्रिप्शन भी पड़ी है, तो जिस जिसकी ये बात समझ में आ रही है वो 3 लिख के बताए। अच्छा, हमारे हमारी हमारे पास जो इससे क्या रिलेटेड है, हमारे पास इससे रिलेटेड है प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल जो है वो कैसे यूज होती है, वो पैकेट के फॉर्मेट में होती है, जब भी प्रोटोकॉल का लफ्ज आए आपने जो है ना जहन में, या तो इसको लेके आ जाना है, इस पैकेट को लेके आ जाना है, या इस पिक्चर को लेके आ जाना है, सही है, तो फिर जो है वो क्लियर हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद जो है वो हमारे पास है रिपीटर, क्या होता है, एक नेटवर्क है उसके सिग्नल कम पड़ रहे हैं तो उसके सिग्नल जो है वो बढ़ा देगा, ब्रिज क्या होता है, ब्रिज जो है वो दो सेम सेम कंपेटेबल नेटवर्क, इसको कहते हैं, तो कंपेटेबल का वर्ड गौर से सुन लेना, कंपेटेबल कहते हैं अगर दो हमारे पास जो वो स्टार हो, दो जो है वो अगर बस हो एक जैसे कोई भी दो नेटवर्क हो तो वो क्या कहलाते हैं, कंपेटेबल नेटवर्क, सही है, अगर आपके पास दोनों दोनों स्टार हैं और दोनों जो है वो बस हैं, या दोनों जो है वो रिंग रिंग नेटवर्क हैं, तो फिर क्या करेगा, अगर उन्हें कनेक्ट करना है तो हम क्या करेंगे, ब्रिज यूज करेंगे, और फर्ज करें कि एक जो है अगर आपके पास जो है वो दो दो को यूज करना है तो हम क्या करेंगे, ब्रिज यूज करेंगे, लेकिन अगर बहुत सारे जो है वो आपके पास बस हैं, बहुत सारे स्टार्स हैं, आपस में कनेक्ट करना है, तो उस सूरत में हम क्या करते हैं, स्विच यूज करते हैं, सही है, लेकिन इंटरनेट के ऊपर क्या होता है कि एक स्टार मिल जाएगा, फिर एक क्या मिल जाएगा, एक जो वो आपके पास बस मिल रहा है, आगे चल के कोई रिंग मिल गया, तो उसको अगर उन सबको कनेक्ट करना है इंटरनेट के ऊपर तो कौन सी डिवाइस यूज होती है, राउटर, ठीक है। रिपीटर क्या होता है, जब सिग्नल वीक पड़ रहे हो हमें स्ट्रेंथ बढ़ानी हो, तो ब्रिज क्या होता है, अगर कंपेटेबल क्या होता है, दोनों स्टार हो या दोनों हब दोनों जो है वो रिंग हो या दोनों बस हो, जब दो हो तो ब्रिज चल जाता है, लेकिन अगर जब दो से ज्यादा हो तो क्या चलता है, स्विच चलता है, लेकिन ये भी सारे के सारे नेटवर्क जो है कनेक्ट कर रहे हो कौन से एक टाइप के, लेकिन जब इंटरनेट होता है तो बीच में कोई भरोसा नहीं है, कभी आपको जो है वो मिल रहा है, कभी बस मिल रहा है, कभी जो है वो रिंग मिल रहा है, कभी स्टार मिल रहा है, तो इसका क्या मतलब हो गया, सारे जो बीच में नेटवर्क है वो क्या हो जाएंगे, इनकम्पेटेबल हो जाएंगे ना, क्योंकि तो एक जैसे नहीं है, तो फिर जो है वो क्या होगा एंड के अंदर, एंड अरे ये बात जो है ना, मैं अभी आप भी लोगों से पूछूंगा मीटिंग के बाद ना, जल्दी आते हैं क्योंकि फिर अटेंडेंस लूंगा मैं, ठीक है, तो ये आप लोग जो है ना बताइएगा कि ये जो मैंने अभी बताई है, और अगर नहीं बताएंगे तो, अच्छा सिकंदर ने प्रेजेंट पता नहीं क्यों लगा दिया, अभी मैंने ली नहीं, अभी दोबारा आना, एडवांस में लगा दी, चले अच्छा इसलिए लगाई होगी कि लाइट का कोई इश्यू होगा।